Journey is always more beautiful and enduring than the goal itself. I present to you Panache, where you will be introduced to the shining personalities of Indore. Namaste Indore, this is Ruchi Batroda and welcome to my show Panache, the Pathfinders of Indore. Panache, एक ऐसा खूबसूरत और अनोखा सफर जो आप और मैं हम साथ मिलकर सफर तय करेंगे, जानेंगे पहचानेंगे उन आइकन्स ऑफ इंदौर को जिन्होंने कड़ी मेहनत की, कई चैलेंजेस फेस किए और बने एक बड़ी हस्ती जो आज वो है। तो चलिए शुभारंभ करें उनसे रूबरू होकर। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ पनाश। आज मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी पूरे जज्बे और जिंदा दिली के साथ जीते और लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका अपना ही एक तरीका और बेहतरीन जज्बा है जिंदगी जीने का। 7 साल की उम्र में हाई टेंशन वायर को पकड़ने से इन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए, लेकिन अपनी तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उम्मीद और आशा रखी। तो चलिए मिलते हैं। And now I introduce you to India's first upper bilateral amputee with a permanent driving license, Mr. Vikram Agnihotri. Namaste, sir. Namaste. And a very warm welcome to my show, Panache. Thank you. I've read about you, okay? You have been playing many roles in your life. You're an entrepreneur, a go-getter, a car racer, and in sports, you have a different interest. You swim, football. So, sir, what has been your inspiration in life? Well, अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मेरी जो मुझे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स रहे, बिकॉज जब ये मेरे साथ हादसा हुआ एट द एज ऑफ 7, मुझे तो बल्कि अंदाज ही नहीं था कि कितना सीरियस मैटर था और आगे जीवन कैसे चलने वाला है। तो इट वाज एक्चुअली माय पेरेंट्स एंड स्पेशली माय मदर जिनने मुझे हौसला दिया, मुझे उतना एक उम्मीद दी और मोटिवेट किया। बैकबोन, यस, आई थिंक मदर्स हर फैमिली में बैकबोन होती है और मेरे केस में तो एक मतलब एक एग्जांपल है कि मदर चाहे तो क्या हो सकता है। सो नेचुरली आई वुड लाइक टू बिलीव दैट माय आई थिंक इंस्पिरेशन जो है वाज माय पेरेंट्स एंड स्पेशली माय मदर। यू नो आई बिलीव दैट टीचर्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे भी हमारे पहले टीचर्स होते हैं, यू नो, बिकॉज चाइल्ड जो होता है वो जो शुरुआती तौर में जो सीख रहा है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। एंड यू नो मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करूँगा वो आपको बहुत सरल लगेंगी, बिकॉज मेरा पर्सनल बिलीफ है कि लाइफ बहुत सरल है, यू नो, आई थिंक वी शुड नॉट गो अराउंड कॉम्प्लिकेटिंग इट। सो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए इंस्पिरेशन तो हमारे आस पास सभी तरह है, मतलब यू नो इट्स ऑल अराउंड अस, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे पर्सोनिफाई। सो इट इज माय पेरेंट्स टू बिगिन विद, ऑफ कोर्स उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स एंड सो मेनी पीपल दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम। सो यू कैन से मेरी जो इंस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं फैमिली से ही, पेरेंट्स स्पेशली। दैट्स राइट, दैट्स राइट। एंड ऑफ कोर्स जब कोई भी ट्रेजेडी होती है या कोई आपके साथ कोई एडवर्सिटी फेस करते हैं तो नेचुरली हमारा जो परिवार होता है अगर वो हमारे साथ है तो आधी आधी जो बोलते हैं ना आधी जंग तो आपने ऐसी जीत ली। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई वाज आई थिंक वेरी लकी टू हैव सच लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स एंड फैमिली अराउंड मी। सो आई लर्नड अ लॉट आई वुड से फ्रॉम देम, उनसे बहुत मैंने सीखा है। सो आई वुड गिव देम द क्रेडिट, यू नो। जी बिल्कुल। और सर जैसा मैंने भी आपको कहा कि 7 साल की उम्र काफ़ी छोटी होती है इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो सर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा? नहीं देखिए मेरी लाइफ में तमाम टर्निंग पॉइंट्स आए हैं जी। टर्निंग पॉइंट नीड नॉट बी अ यू टर्न और अ यू नो डेड एंड। हाँ, अ टर्निंग पॉइंट इज जस्ट कि आपका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपकी जो दिशा है वो थोड़ी सी बदल जाती है। नेचुरली वी नीड टू जस्ट एक्सेप्ट एंड यू नो एडॉप्ट दैट। सो Like I said, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लाइफ में आए होंगे, बट नेचुरली मेरा जो एक्सीडेंट था अगर वो नहीं होता तो मैं शायद जो मेरे में अभी जो एक जज्बा है या मेरे में जो एक क्या बोले क्वालिटी है वो आई अगेन आई
ओवर टू दैट एक्सीडेंट बिकॉज नेचुरली जब शाम को हम उनके जो हमारे फ्रेंड्स उनके घर गए थे तब मैं बिल्कुल सक्षम मतलब खेलता कूदता जैसे होता है दोनों हाथ थे मेरे और विद इन एन आवर आई हैड लॉस्ट माय हैंड्स मतलब लिटरली जैसे होता है ना एक फ्लैश में मतलब इन द रियल सेंस क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट था तो एक फ्लैश जो हुआ उसमें मेरे दोनों हाथ जल गए सो दैट वॉज ऑफकोर्स द रियल आई वुड से टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ एंड आई सपोज यू नो वी जस्ट एक्सेप्टेड इट एज एन एक्सीडेंट कि भाई जैसे बोलते ना एक होनी एक कुछ जैसे बोलते एक होना था एक डेस्टिन था एंड वी जस्ट एक्सेप्टेड इट एंड जस्ट मूव्ड ऑन वही सर आपका जो एक्सेप्टेंस था वही आपने जो अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है आपने एक्सेप्ट कर लिया आधी जंग आपने वहीं चल दी आपकी फैमिली ने भी सेम चीज की एक्सेप्ट किया सर आपको ट्रेन किया आपको मॉरल सपोर्ट दिया इतना बूस्टअप किया इन सारी चीजों के कारण ही आज जो आप है इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को जी बिल्कुल And unfortunately, sometimes we get so caught up in that कि हम फिर अपना present and future दोनों बिगाड़ देते हैं। हाँ। So it is very important that we accept जो हो गया है, learning उससे मिलती है, आपको एक lesson मिलता है, हाँ। which is the most you can expect from that, and then you just need to you know move on. Move on. And you just have to make necessary adjustments because naturally you can't expect things to go on. तो वो फिर आपके पूरे जीवन पे उसका फिर असर सो वी नीड टू कंपार्टमेंटलाइज जैसे बोलते ना कि वी नीड टू पुट एवरीथिंग इन बॉक्सेस कि भाई ठीक है ये अब पास्ट अब जो हो गया जो हो गया है तो बदल नहीं बदल नहीं सकते मैंने जैसे कहा ना कि दो चीजें होती है जो चीजें हम बदल सकते हैं डेफिनेटली बदलना चाहिए जी बट कई चीजें ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज मेक पीस विद दैट एंड जस्ट यू नो मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन योरसेल्फ हमें चेंज को मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई परिस्थितियां बदल गई हैं और हमें अब एक दूसरे नजरिए से या दूसरी एक नई सोच डेवलप करनी पड़ेगी सर आपसे बातचीत करके मुझे ये तो समझ आया कि आप अनब्रेकेबल हैं आपने ये जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है लेकिन मैं एट द सेम टाइम जब आज की जनरेशन को यंगस्टर्स को देखती हूँ मुझे ये रियलाइज होता है कि दे गिव अप वेरी इजीली और लैक ऑफ पेशेंस है और काफ़ी कई चीज़ें हैं सर आपने तो इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया सर आपने पेशेंस रखे ऑब्वियसली इतने टाइम आप जो ट्रेन हुए को पेशेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होगी इस चीज़ में तो आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो देखिए पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है जी बिकॉज थिंग्स सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे इशारों पर नहीं चलती जी राइट सो हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है रिएक्शन है वो हमारे क्योंकि कंट्रोल में है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए And like you said, patience बहुत ज़रूरी है because otherwise आपको बोलते ना निराशा और frustration के अलावा कुछ नहीं मिलेगा And what is more important is that we must accept challenges. भाई what makes you strong? What will make you strong? Let's say आपको क्या strong बनाएगा भाई जिम में और वर्कआउट करके हम अपनी बॉडी को तो बना लेंगे स्ट्रॉन्ग बट मेंटली वो फिजिकली हो जाएगा बट हाउ डू गेन मेंटल स्ट्रेंथ जो हाँ यस तो वो तभी होता है जब हम एक तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें नाउ आई फील एक्चुअली बैड फॉर द यू नो द प्रेजेंट जनरेशन बिकॉज दे आर एक्चुअली टारगेटेड बाय सो मेनी यू नो आई वुड से मीडिया से लेके सब कुछ का जो फोकस होता है वो आज के जो आई वुड से यंगस्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर और सो काफी डिस्ट्रैक्टेड भी है ना ये भी करना है ये भी करना है ये सोशल डिस्ट्रैक्शन इसी तो है बिकॉज उनको टारगेट किया जाता है हर चीज हर प्रोडक्ट उनको ध्यान में रख के बेचने की कोशिश कर रहे हैं सो नेचुरली लकीली आई वुड से माय जब मेरे साथ ये सब हादसा हुआ ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं मतलब हमारे जीवन में क्या था बस खेल कूद था और पढ़ाई थोड़ा बहुत जो भी था उसमें भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता था कि देखिए एक और चीज है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू सक्सीड यू नो वी मस्ट रियलाइज दैट फेलियर इज लाइक द
the other side of the coin, मतलब success and failure एक दो दो phases हैं, दो phases हैं, तो and success why is it sought after? Because it is rare, not everyone is going to succeed. Exactly. So, I mean majority are going to fail. Fail, हाँ. So हमें failure कैसे handle करना है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें. कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ गया. एग्जैक्टली यहाँ पे भी, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया फेलियर तो आप वापस दूसरा अटेम्प्ट दे पाएंगे. देखिए हम क्या होता है, हमारी एक क्षमता है. आपने एज लॉन्ग एज यू डन जस्टिस टू दैट, यू नो यू से कि मैंने अपना बेस्ट दिया एंड येट आई डिड नॉट सक्सीड, तो वी शुड नॉट होल्ड आवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हम क्या हो गया है कि आजकल खुद को, जैसे हम वी फॉरगिव आवर फ्रेंड्स, यू नो हम अपने आस पास को लोगों को तो अपन फॉरगिव करते हैं, बट समटाइम्स यू नो हम अपने आप को इतना गठघरे में खड़ा करके रखते हैं कि वी आर एक्चुअली पाइलिंग ऑन द प्रेशर. सो वी मस्ट बी आई वुड से नाइस टू आवरसेल्व्स, वी फॉरगिविंग टू आवरसेल्व्स. जैसे आई व्हाट यू सी इज फर्स्टली द कल्मिनेशन ऑफ 44 इयर्स. एक चीज वो भी ध्यान दीजिए कि नथिंग हैपेंड ओवरनाइट. मतलब मैं जैसे बोलते हैं ना, मेरी शुरुआती तौर पर तो मैं ओवर द इयर्स एंड एज लॉन्ग एज यू नो यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड फेथ इन गॉड कि भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है. ये हमें मन में ये बात रखनी चाहिए. And as truly said कि journey is more beautiful than the destination. 100%. जो आपकी ये जो journey है वो इतनी खूबसूरत रही है sir. I can't, like I said, I won't change a single thing. But the journey has been actually so eventful, so adventurous, so beautiful. So it's actually up to you. Again, I would say it's all your perception. कि भाई आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं. जी. You know, आप बहुत खूबसूरत चीज है. It has so much to offer. बहुत खूबसूरत तोहफा है ऊपर वाले का. जी. और I think हमारा दायरा जितना बड़ा करे. जी. जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अब आजकल सब चीज like literally हमने focus इतना ज्यादा narrow कर दिया है. जैसे पढ़ाई देखे तो सिर्फ पढ़ाई है. नक्शल में तभी करियर है तो सिर्फ करियर है. जी. मतलब हमारे जमाने में जैसे like I said it was an holistic, मतलब it was an all round development. स्पोर्ट्स भी था, पढ़ाई भी था, म्यूजिक एंड आर्ट भी था. मतलब देयर वाज रूम फॉर एवरीथिंग. मतलब इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे लाइफ में हर चीज के लिए बहुत जगह है. बट अनफॉर्चुनेटली नाउडेज द यू नो हमने अपना दायरा इतना छोटा कर लिया है कि दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल फील डेस्परेट व्हेन वो एक चीज जिसपे वो काम कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं तो वो जब सक्सेसफुल नहीं होती या यू नो सो दे फील कि अब सब कुछ खत्म हो गया. So like in my case, again, I play sports even at this age. मैं regularly football खेल रहा हूँ, swimming कर रहा हूँ. I go out with friends. I watch movies. I mean I don't know this. You enjoy your life. Yes, I feel that is what life should be all about. You know, I read this very interesting Arabic एक proverb है कि throw your heart in front of you and then chase after it. So it's like you know follow your passions. जिंदगी एक ही बार मिलनी है. हाँ, बार बार. अब आप रोते गाते नौकरी करते या जो भी करते अगर आपको वैसे काटना है इट्स योर प्रेरोगेटिव. बट देयर इज सो मच दैट लाइफ हैज टू ऑफर एंड यू एंड आई थिंक वी ऑल हैव सो मच टैलेंट. वी हैव सो मच पोटेंशियल. वी हैव यू नो व्हाट आई हैव डन इज समथिंग दैट आई फील दैट एनीवन कुड हैव डन और कैन डू. सो यू नो बिकॉज दिस ये जो शक्ति कहते हैं, जैसे कई बार बात होती है कि भगवान एक शक्ति देता है तो अनेक शक्तियां देता है, एक दरवाजा बंद किया तो और. बट आई फील ऐसा नहीं है बिकॉज ये शक्तियां सबके अंदर हैं. इट इज ओनली दैट वी नीड दैट चाबी, दैट यू नो दैट ट्रिगर. वी ऑल आर केपेबल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, यू नो इट्स. सो वी जस्ट नीड टू रियलाइज, एक्नॉलेज दैट वी आर, यू नो वी हैव दैट, यू नो talent and we need to just exploit that. Exactly. So thank you so much sir for joining us today and it was glad to meet you. No, thank you so much for having me. Thank you so much. तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आज के एपिसोड में देखा कि एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. जिस दिन आपने बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आप आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाएंगे. फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को पनाश के स्पेशल एपिसोड के माध्यम से एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ. हम सोसाइटी में जब किसी डिसेबल या हैंडीकैप इंसान को देखते हैं तो इंस्टिंक्टली हमारे मुंह से निकलता है बेचारा या बच्चा.
ये वर्ड सुनने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन होता यह है कि सामने वाले को ज़रूर ये कहीं ना कहीं दिल पे लगता है। ऑल वी नीड टू डू इज़ कि हमें ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें बल्कि उनको मेंटली और सपोर्ट करना चाहिए, उनका मोरल बूस्टअप करना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो भी हमारी तरह नॉर्मल ही हैं और वो भी उनमें भी बहुत सारा पोटेंशियल है और वो बाकी सारे कार्य भी हमारे जैसे ही कर सकते हैं। थैंक यू।